भाई आ चुका है लियो का टेलर। तो कैसा है टेलर, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल MTM फिल्म रिव्यू में दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस टेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया है। इसमें म्यूजिक दिया है यंग डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्रन ने। और कास्ट देखे तो थालापति विजय के साथ साथ संजय दत्त, अर्जुन सरजा और तिशा जैसे एक्टर भी है। इस ट्रेलर में थालापति विजय को 3 अलग अलग लुक में दिखाया गया है। एक लुक जिसमें विजय यंग दिख रहे हैं और एक ये वाला लुक है जिसमें विजय मीडियम एज के दिखाई दे रहे हैं और एक ये वाला लुक है जिसमें विजय थालापति ज्यादा एज के नजर आ रहे हैं। दोस्तों लियो के ट्रेलर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। माइंड ब्लोइंग ट्रेलर है। इसमें बहुत खून खराबा दिखाया गया है। मूवी के ट्रेलर को इतनी चालाकी से कट किया गया है कि आपको स्टोरी का अंदाजा नहीं लग सकता, लेकिन यही एक अच्छे ट्रेलर की निशानी है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक सीरियल किलर होता है, बिना खौफ के लोगों को मार रहा है। इसे मारने एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसने लगभग इसे मार ही दिया, लेकिन उसकी गन रिलोड पे चली जाती है। उसका फायदा उठा के सीरियल किलर उसे मार देता है। अब पुलिस वाले की गन है विजय थालापति के हाथ में। इसमें दो गैंग दिखाई गई है, एक है संजय दत्त की और दूसरी है अर्जुन की, जो कि विजय को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी है। इससे जैसे तैसे विजय थालापति अपने परिवार को बचा रहा है और मूवी में विजय का डबल रोल होने वाला है। पर मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने ये सुना, अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर, उल्टा तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर। अब ये तो ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया, ये तो देखना होगा मूवी में क्या होगा। लेकिन विजय ने तो आग लगा दिया है। इनका एक्शन, उनका स्टाइल सब कुछ बवाल है। विलन के किरदार में संजय दत्त ने तबाही मचा कर रख दी है। बाकी अर्जुन और त्रिशा भी परफेक्ट चॉइस है करेक्टर में। पर ये मूवी में गाड़ियों का सीन खतरनाक बताया गया है और हाइना वाला शॉट भी बढ़िया बताया गया है। पर आप इस मूवी में किसी भी तरह की कमी नहीं निकाल सकते। तो आपको कैसा लगा मूवी का ट्रेलर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।